हेलो फ्रेंड्स, सामी होटल्स का आईपीओ आ चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड हर बारीक डिटेल्स, जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसकी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वंस से शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स। तो सामी होटल्स का आईपीओ स्टार्ट हो चुका है सितंबर 14 से और ये क्लोज होगा सितंबर 18 को। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी रेज करेगी 1370 करोड़ रुपी, जिसमें से 1200 करोड़ रुपी का फ्रेश इशू होगा। इसमें रिटेल कोटा फिक्स है 10% पर, QIB कोटा फिक्स है 75% पर और HNI कोटा फिक्स है 15% पर। तो जैसा कि हम इसके नाम से ही जान पा रहे हैं, ये होटल बिजनेस से रिलेटेड है। ये मेजरली डील करते हैं ब्रांडेड होटल ओनरशिप में, एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में इंडिया में। टोटली डिफरेंट बिजनेस लाइन है ये, काफी अच्छा ग्रो कर चुके हैं, इवन स्टार्टिंग देयर बिजनेस इन 12 इयर्स इटसेल्फ। इसके अलावा अगर इसकी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था सितंबर 14 को, ये क्लोज होगा सितंबर 18 को। इस आईपीओ से कंपनी करेगी 1370 करोड़ रुपी, फ्रेश इशू रहेगा 1200 करोड़ रुपी का, फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपी पर इक्विटी शेयर, आईपीओ प्राइस बैंड है इसका 119 से 126 रुपी पर शेयर, बीएससी एनएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग है, रिटेल कोटा है 10%, क्यूआईबी कोटा है 75%, एनएनआई कोटा है 15%। रिटेल मिनिमम लॉट साइज इसका है 1, जिसमें आप शेयर्स मिलेंगे 119, अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 14,994 की। मैक्सिमम लॉट साइज होगा 14, रिटेल कैटेगरी में 1547 शेयर्स मिलेंगे और इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,94,922। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लॉट साइज की परचेज होगा 14, इसमें शेयर्स मिलेंगे 1666 और अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम रहेगी 2,09,916। बीएचएनआई में मिनिमम लॉट साइज परचेज रहेगा 67, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 7,973 और अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 10,45,98 रुपए की। इसकी अलॉटमेंट डेट होगी सितंबर 22nd, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 25th ऑफ सितंबर को और डीमैट में क्रेडिट होगा सितंबर 26 तक। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है सितंबर 27th। अगर इस कंपनी के कमर्शियल्स की फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, हर साल कंपनी काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट कर रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा है, हर साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनके रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट्स में, अर्निंग। और इस कंपनी के रजिस्ट्रार और इस आईपीओ के रजिस्ट्रार रहेंगे के फिनटेक टेक्नोलॉजीज। तो शामी होटल्स का ग्रे मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है, 28% चल रहा है, अभी एक ही दिन इसके आईपीओ को ओपन हुए हुआ है। तो ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो। तो इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।